गाल बजे तसरी पे ठुमकाई। पाजेब के पैसे नहीं थे इसलिए उसकी पूर्ति दांत बजा कर की। झुनझुने बाजार से गायब है इसीलिए घर में खाली पड़े पतीले और डिब्बे बजाकर जशन और खुशी का इजहार किया। पर यह खुशी दो दिन तक चेहरे पर रही। तीसरे दिन मुंह ऐसे लटके मानो इफ्तार का कुल्लड़ इमरान उधार मांगकर ले गया हो। मतलब ये पाकिस्तान था जहां दो दिन तक डॉलर 98 पैसे नीचे गिरकर 150 रुपए के आसपास आ गया था। अब इस मदरसा छाप लोगों को 9 महीने पहले का 104 रुपए का भाव याद नहीं रहा। बस ये लोग 98 कम होने से अपने फटेले जालीदार बनियान पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखवाकर जश्न मना रहे थे। इन्हें यह भी याद नहीं कि 90 के दशक में पाकिस्तानी 100 रुपए के भारत के 110 रुपए मिला करते थे। यानी अब यह जग जाहिर है कि ये मुल्क 98 की दुआ से ऊपर कुछ सोच नहीं सकता। पाकिस्तान के खुले बाजार में डॉलर एक बार फिर पाकिस्तानियों के मुंह पर फुरेरी मार रहा है। आज जब पाकिस्तानी रोजे रखकर शांति के लिए कम डॉलर की गिरने की दुआ अधिक कर रहे थे, डॉलर ने फिर से छलांग लगाई और 151 रुपए पर जाकर रुका। पर यह असली कहानी नहीं है। अमेरिकी डॉलर को यहां तक पहुंचाने वाले जनाब असद उमर खुद अब इमरान के कोट की उस जेब की नाप ले रहे हैं जिसका स्तर वह खुद खरीद कर लाया था। मतलब असद उमर नया पाकिस्तान के पहले विद्रोही हैं जिन्हें नया पाकिस्तान के झंडे के डंडे चमेली की डैनी पर खड़े नजर आए हैं। वैसे कल तक ये असद उमर अपनी उम्र भी इमरान खान के नाम करने को कहते थे, मगर अब उम्र नहीं इमरान की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब जरा इनके विचार भी सुनिए। जैसे आपने कहा शुरू हुआ था, नहीं शुरू तो मिफ्ता इस्माइल जिसको कहते वजीर खजाना उसका शुरू हो गया था। 104 रुपए का था और जिस वक्त तक इलेक्शन हुआ तो 7 माह के अंदर 104 से 128 पे चला गया था, 24 रुपए कम हुई थी कदर डॉलर की। आगे कहाँ जाएगा इसका जवाब आपको या हफीज शेख साहब देंगे या रजा बाकर साहब देंगे। शोर शायद आपको बहुत सुनने को मिले, घनगरज बहुत होगी, लेकिन बादल ये बरसेंगे नहीं। पाकिस्तान उस फकीर की तरह है जो पड़ोसी के मकान में खोटी अठन्नी फेंक कर 1 रुपए का सिक्का चुराने का इल्जाम लगा देता है। अब ये भिखारी मुल्क खोटी अठन्नी और रुपए की कहानी को पाकिस्तान में दोहरा रहा है। अभी जिस बजट को लेकर वजीरे खजाना अब्दुल हफीज शेख को अदालत में घसीट गया, वही हफीज शेख पाकिस्तान की चिरमंद में पैबंद लगाने जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तानियों की सुकून की सांस जुनून में बदलने वाली है। हफीज शेख को सेल टैक्स और इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की हरी झंडी मिल चुकी है। हफीज शेख ने 2019-20 में 10 खरब 45 अरब रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है, जिसमें 50 खरब 45 अरब रुपए की आमदनी की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि 750 अरब रुपए सेल टैक्स से हासिल किए जाएंगे, जिसका मतलब है पाकिस्तान का पायजामा अब पेटीकोट बनने की तरफ बढ़ रहा है। महंगाई और कंगाली से जूझते पाकिस्तानियों के लिए पैबंद जुटाने की चर्चा भी चल रही है। खास बात यह है कि इन पैबंद का जुगाड़ बड़े कुर्ते वाले पाकिस्तानियों के घरों में सेंगमारी करके किया जाएगा। मतलब गरीब की बत्ती तो ढिबरी में बदलेगी ही, बाकी का तबला भी जोर से बजाने की योजना है। साफ है आईएमएफ पाकिस्तान को जो जुलाब का टोटका देकर गया है, पाकिस्तान उसके सूंघने से पहले ही अर्धमूर्छित हो रहा है। वैसे ये मदरसे के राजनीतिक है, उन्हें देश नहीं भैंस चराना ज्यादा बेहतर आता है। यह वे लोग हैं जो अंडों और मुर्गी से भिखारी मुल्क की झोली में सोने के सिक्के बरसाने के सपने देखते हैं। हफीज शेख बही खाते तैयार कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी पुरानी चादर में से टोपियों का कपड़ा छांट रहे हैं। यानी पाकिस्तान नया पाकिस्तान में तब्दील हो रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों आपसे शीघ्र भेंट होगी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।